हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुक्रोन। चलिए हम स्टोरी शुरू करते हैं। आज हम करेंगे इंग्लिश की बुक बी हाइव का चैप्टर 2, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। वैसे तो ये दो पार्ट में है ये वाला चैप्टर, तो आज हम करेंगे इसका पहला पार्ट जो है एवलिन ग्लेन के बारे में। तो चलिए हम स्टोरी शुरू करते हैं। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर एक 17 साल की दुबली सी लड़की खड़ी थी जो देखने में 17 से यंगर दिख रही थी। इतने में उसे ट्रेन की वाइब्रेशंस फील होने लगी। जैसे जैसे ट्रेन पास आती जा रही थी, वो लड़की नर्वस और एक्साइटेड होती जा रही थी। और होती भी क्यों ना, आज उसका रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में पहला दिन था। और ये रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक कहाँ है? ये है लंदन में। उस लड़की के लिए जो स्कॉटलैंड के एक छोटे से फार्म से आती थी, उसके लिए तो ये सब कुछ सपने जैसा था। उसने इस दिन के लिए एस्पायरिंग म्यूजिशियन बनने के लिए बाकी लोगों से ज्यादा स्ट्रगल किया था। अब आगे ऑथर उसके पास्ट के बारे में बताते हुए लिखते हैं। एवलिन ग्लेन जब 8 ईयर्स की थी, तब से ही उसको सुनाई देना धीरे धीरे कम होता जा रहा था। 8 ईयर्स में सबसे पहले उनकी मम्मी ने नोटिस किया। उसकी मम्मी का नाम था इजाबेल ग्लेन। एवलिन पियानो सीखना चाहती थी, तो उसकी मम्मी ने पियानो की क्लास लगाई। एक दिन पियानो की क्लास थी और एवलिन का नाम पुकारा गया, जैसे हमारा नाम बोला जाता है अटेंडेंस के टाइम, वैसे ही। पर वो अपनी जगह में ही बैठी रही। पियानो के उसके टर्म में वो उठी नहीं, तो उसकी मम्मी को महसूस हुआ कि शायद उसे सुनाई नहीं दे रहा। एवलिन ये बात किसी को बताना नहीं चाहती थी कि उसे सुनाई नहीं देता, इसलिए उसने ये बात सबसे छुपाई, अपने फ्रेंड्स से, टीचर से, सबसे ये बात छुपा करके रखी। पर जब वो 11 ईयर्स की थी ना, तो उसके सुनने की एबिलिटी धीरे धीरे करके पूरी तरीके से जा चुकी थी। अब इसका इफ़ेक्ट उसके स्टडीज़ में होने लगा। उसके मार्क्स धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। यह देखकर उसकी हेडमिस्ट्रेस उसके पेरेंट्स को बुला ले आई। तो हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स से कहा, इसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। जब उसकी मम्मी ने स्पेशलिस्ट के पास ले गई उसे, तब जाकर पता चला कि उसके ईयर की एक नर्व डैमेज हो गई है। हमारे ईयर में बहुत सारी नर्व्स होती हैं, तो उसमें से एक नर्व जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी सुनने के लिए, वो डैमेज हो गई थी। इसलिए उसकी जो सुनाई देने की एबिलिटी थी, वो धीरे धीरे करके पूरी तरीके से जा चुकी थी। अब उस डॉक्टर ने, स्पेशलिस्ट ने उसको एक हियरिंग एड दिया और स्पेशल स्कूल के लिए रिकमेंड किया। ये सब जानकर एवलिन ग्लेन जो थी, उसकी आंखों के सामने तो एकदम अंधेरा छा गया कि यार ये क्या हो गया। उसके लिए तो सब कुछ नया नया ही था ना, कि अचानक से उसकी कान के नर्व डैमेज हो जाना और उसे धीरे धीरे सुनाई देना बंद हो जाना, और अब स्पेशलिस्ट कह रहा है कि उसे स्पेशल स्कूल में एडमिशन ले लेना चाहिए। पर एवलिन हार नहीं मानने वाली थी। वो भी चाहती थी कि वह नॉर्मल लोगों तरह एक नॉर्मल लाइफ जी सके और म्यूज़िक में अपना करियर बना सके। एक दिन उसने देखा एक लड़की ज़ाइलोफोन बजा रही है। उसने जब उसे ज़ाइलोफोन बजाते हुए देखा, तभी उसने डिसाइड किया कि मैं भी ज़ाइलोफोन बजाऊंगी। अब सारे टीचर जो थे उसे डिस्करेज किए जा रहे थे कि तुम ये कैसे कर सकती हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये सब सारी चीज़ें। पर उन्हीं के बीच एक इंसान थे, उनका नाम था रॉन फोर्ब्स, और वो एक पर्कशनिस्ट थे। पर्कशनिस्ट मतलब जो ढोलक, डमरू, ढोल, तबला, ये सब प्ले कर सकते हैं ना, उनको पर्कशनिस्ट कहते हैं। तो रॉन फोर्ब्स ने उसके टैलेंट को पहचाना। उनने एवलिन को दो अलग अलग ड्रम ला कर दिए। दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी के थे, मीन्स दोनों अलग अलग साउंड करते थे। रॉन ने कहा, तुम इसे अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, इसे अपनी बाकी सेंसेस से फील करो। बाकी सेंसेस मतलब, देखो हमारी बॉडी में 5 सेंसेस होती हैं जिनसे हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन लेता है। कौन कौन सी? पहली होती है आइज, जिससे हम देखते हैं। दूसरा होता है ईयर्स, जिससे हम सुनते हैं। फिर नोज, जिससे हम स्मेल लेते हैं। फिर होती है स्किन, जो हम फील कर सकते हैं टच किसी का। और 5वीं होती है टंग, और टंग से हम टेस्ट कर सकते हैं फूड जो हम खाते हैं वो सब। तो ये 5 सेंसेस ही से ही हम सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। तो रॉन ने कहा, तुम्हारे ईयर्स से इसे सुनने का ट्राई मत करो, तुम बाकी सेंसेस से फील करने की कोशिश करो। एवलिन धीरे धीरे बाकी सेंसेस से फील करने का ट्राई करने लगी। जल्द ही उसे एक ड्रम की वाइब्रेशन अपर बॉडी में, मीन्स कमर के ऊपर वाली बॉडी में फील हुई, और एक ड्रम की वाइब्रेशंस लोअर बॉडी में फील हुई। फोर्ब्स, जिनने उन्हें ड्रम लाकर दिए थे, उनने उसे और प्रैक्टिस का बोलकर चले गए।
एवलिन कहती है, मैंने अपना माइंड और अपनी बॉडी को साउंड के लिए ओपन कर दिया था। बाकी सब कुछ उनकी डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से आया। कभी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखी। उसने यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ सिर्फ 16 इयर्स की एज में यूनाइटेड किंगडम का टूर किया और इन सब के बाद उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जाने के लिए ऑडिशन दिया और इसमें उसे अभी तक के सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले थे। अब धीरे धीरे जब वो ऑर्केस्ट्रा में बहुत ज़्यादा ऑर्केस्ट्रा के साथ राउंड अप कर ली, सारे कंट्रीज घूम ली आसपास की, तो धीरे धीरे करके वो अब सोलो परफॉर्म करने लगी थी। सोलो परफॉर्म मतलब वो अब अकेले परफॉर्म करने लगी थी। वो इतनी ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो गई थी। उसके एकेडमी में 3 ईयर्स के कोर्स ख़त्म होते होते वो बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुकी थी। वो हमेशा कहा करती थी, अपनी डेस्टिनेशन यानी जो अपनी मंजिल है उसे याद रखो कि तुम्हें कहाँ जाना है और बस हार्ड वर्क करते जाओ, तुम डेफिनेटली वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ तुम जाना चाहते हो। धीरे धीरे करके वह टॉप की आर्टिस्ट बनते चले गई। उसने कई हज़ार इंस्ट्रूमेंट में मास्टरी कर ली थी। एक लड़की जो सुन नहीं सकती, जब वो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट बजाती थी और प्ले करती थी तो सारे लोग शॉक्ड हो जाते थे। ऑथर कहते हैं कि एवलिन के साथ हुई 2 आवर की मीटिंग में उनने एक वर्ड मिस नहीं करी थी उनका। जब उनसे पूछे कि वो ऐसा कैसे कर लेती हैं, क्योंकि बिना सुने वर्ड समझ जाना बहुत बड़ी बात होती है, तो वो कहने लगी सिर्फ लिप रीडिंग करना ही बस इम्पॉर्टेंट नहीं है, फेशियल एक्सप्रेशन भी ज़रूरी हैं। वो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल लेती थी। वो स्कॉटिश एक्सेंट के साथ फ्लॉलेसली बोल सकती थी। जब इसके बारे में उनसे पूछा गया कि वो इतना फ्लॉलेसली कैसे बोल लेती हैं, तो वो कहती हैं 11 इयर्स तक आते आते उन्हें तो सब कुछ सुनाई देता था। वो 11 इयर्स के बाद ही उनकी धीरे धीरे एबिलिटी कम होती गई थी ना हियरिंग की, पर फिर भी अभी ये बात क्लियर नहीं हो पाई थी कि जब उनकी 11 इयर्स में एबिलिटी तो जा चुकी थी, इसके बाद उन्होंने फ्रेंच और जापानीज कैसे सीखी। जब उनसे पूछे कि वो ऐसा कैसे कर लेती हैं, तो वो कहती थी म्यूजिक उनके स्किन से, उनके गाल, यहाँ तक कि उनके हेयर तक से होकर जाता है। इन सारे बॉडी पार्ट से एक एक से होकर के पूरा जो म्यूजिक है वो उनके सोल तक, मतलब उनके अंदर तक जाता है। जब वो ज़ाइलोफोन प्ले किया करती थी तो वो साउंड उनकी फिंगर टिप से जाता था उन तक, और जब वो ड्रम बजाया करती थी तो ड्रम का साउंड उनकी पूरी बॉडी से सुनाई देता था। वो ये भी कहती हैं कि लकड़ी के प्लेटफॉर्म में वो हमेशा जूते उतार कर जाया करती थी ताकि वाइब्रेशंस उनके पैर से होकर उन्हें साउंड फील करवाएं। 1991 में उनको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी से सबसे प्रेस्टीजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। एक बहुत फेमस परकशनिस्ट हुए हैं जेम्स ब्लेड्स। एवलिन के बारे में जेम्स ब्लेड्स कहते हैं कि गॉड ने भले ही उनसे उनकी सुनने की शक्ति ले लिया हो, पर कुछ ऐसी शक्ति दे दिया था जिससे जो हम इंस्ट्रूमेंट के साउंड हम सुन सकते हैं वो फील कर सकती हैं, और यही उनके म्यूजिक को और ब्यूटीफुल बनाता है। एवलिन ने कन्फेस किया है कि वर्कोहॉलिक हैं, उन्हें काम करना बहुत पसंद है। रेगुलर कंसर्ट के साथ साथ वो जेल्स और हॉस्पिटल्स में फ्री कंसर्ट किया करती थी। वो यंग लोगों को म्यूजिक सिखाने में भी बहुत इंटरेस्ट रखती हैं। जो बीटजोवन फंड फॉर डीफ नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर एन रिचलिन कहती हैं कि वो डेफ बच्चों के लिए एक शाइनिंग एग्जाम्पल हैं। उन्हें एवलिन को देखकर इंस्पिरेशन मिलती है कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो नहीं जा सकते, कोई चीज़ नहीं वो नहीं कर सकते। एवलिन ने अपनी छोटी एज में ही बहुत कुछ अचीव कर लिया था। उन्हें परकशनिस्ट को ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट में लाकर खड़ा कर दिया था और लोगों को उनकी इंपॉर्टेंस समझा दी थी। वह हैंडीकैप्ड लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन थी। लोग उन्हें देखकर कहते थे कि अगर ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। उनने मिलियंस ऑफ पीपल को इंस्पायर की हैं। और इस स्टोरी के ऑथर हैं डेबोरा काउली।